बहुत ही प्यारे ते सत्कार जो किसान वीरों ते भैणों सत श्री अकाल। कुदरती खेती किसान गुरमित्र सिंह, जिवें कि आपां कुदरती खेती इस खेत विच लंबे समय तो की जा रही है, तो जिहड़ा भी कुदरती खेती का रिजल्ट आ वह बहुत शानदार आने लग गया। बहुत सारे दोस्तों ने भी लगता सीगा भी जो कुदरती खेती करांगे झाड़ घट जू बीमारियां पै जाणगियां तो पता नहीं असीं कामयाब होवांगे जां नहीं, पर क्योंकि आपां बहुत लंबे समय तो कर रहे हैं तो अपनी मिट्टी विच भी बहुत बहुत बदलाव आ गया। हरेक फसल घट पानी नाल हो सकती है तो मतलब वक्खरा रिजल्ट आने लग गया। धरती बीज स्टोर कर लाँगी तो पानी की वरतों घट कर रहे हैं, बारिशों का पानी हो गया इसलिए हुण तां जरूरत नहीं पई। तो हरेक नींबू अपने अलग अलग किस्मां दे ने, किसी का सीजन चले जाता आ जाता कोई किसी रुत च, जानी तकरीबन अपने खेत में सारा साल आपां नूं नींबू मिली जाता। सो जिहड़े बूटे की अज्ज गल कर लगे ये नींबू दे बूटा, पर उन्ने नूं पत्ते नहीं है जिन्ना नींबू लग्या। देखो आ टाणी तो जानी भरिया पिया जे, टाणियां झुकियां पईआं ने ते पत्ते घट ने नींबू वध ने, हाले नींबू कच्चा हरा, पर जद नूं अपने दूजे नींबू खत्म होणगे तां इह होर नींबू नाल भर जूगा ते लगातार काफ़ी लंबा समा नींबू दिंदा रहू। ते सियाल सियाल जानी इह आपां नूं फरवरी मार्च तक नींबू दे दिंदा। नींबू इहदी नींबू की खासियत आ भी ये खराब नहीं हुंदा जे तोड़ के रख लैंदे आ, कोई सर्दी दी रुत हुंदी आ जिहड़ा अपने मतलब दसंबर दे तैयार हो गया उहनूं आपां फरवरी मार्च तक रख सकदे आ। सो इस तरह दीआं अलग अलग किस्मां ने ते घट पानी नाल बिना सेवा संभाल तो फल लग रहे ने। जे तुसीं रेठां बरीकी नाल देखोगे तां कोई पानी की वरतों नहीं की गई, कचरा नदीन जो है सब कुछ उस तरह जिवें आपां जंगल सिस्टम दा उस तरह की कोशिश कर रहे हैं भी अपनी खेती चों, जे आपां जंगल सिस्टम नाल कामयाब जिन्ना भी ये धरती ते आ उरे जिहड़ा कीट कंट्रोल आ पंछियां वल्लों कीता जांदा, तो जो बाकी ये हरियाली आ जां उरे जो भी कुछ पैदा हो रहा है वो क्यों हो रहा घट पानी नाल, वो कुदरत अपना काम कर रही है तो उहदा रिजल्ट वक्खरा आउण लग गया। हरेक चीज़ वधिया रिजल्ट दिंदी आ ते वधिया स्वाद हुंदा, क्योंकि जिहड़ी थां नूं पंछी जो चुण लैंदे ने उहनूं घर वांग रहिण लग जांदे तां कीट कंट्रोल जां उहनां दीआं बिठां उहनां दा आपां नूं लाभ मिलदा पंछियां तों। सो जे रुख होणगे तां पंछी आउणगे, जे पंछी आउणगे तां कीट कंट्रोल हो जूगा। बहुत जानी कुदरत आ जिहड़ी उह अपने हिसाब नाल चलण लग जांदी आ। हुण जे बहुत सारे बूटे ने जिहड़े तकरीबन हुण बरसातां पईआं नूं बहुत लंबा समां हो गया, मेरे हिसाब नाल अपने एरिए दे विच घट्टो घट्ट डेढ़ महीना पहलां मींह पिया सी, जे आम खेत हुंदा तां हुण सोका मन्नण लग जाणा सी। और अपने नदीनां दे विच मिर्चां भी खड़ियां ने, इहनूं भी देख रहे हां भी की रिजल्ट आउंदा किवें आ। जे हुण इहदा फल देखिआ तुसीं पूरा फलां नाल भरिआ पिआ, जिवें हुण बहुत सारे मिर्चां दे बूटे ने दोस्तों, जिवें आप जी इक मिर्चां दा बूटा देख रहे हो, बहुता वड्डा बूटा तां है नहीं, पर इहदी मिर्च दा रंग देखो, चमक देखो ते धरती ते नदीन देखो, कचरा पिआ ते खास गल आ भी धरती सुक्की आ। जे तुसीं बरीकी नाल देखो, आ देखो सुक्की पई आ धरती ते आ देखो नदीन भी एन पूरा मल्लिया, एक बार धरती ने फड़ता दोबारा फिर हो गया। हुण सवाल यह पैदा होता मिर्चां इन्नियां क्यों लगियां ने, छोटा जिहा बूटा, क्योंकि कुदरती खेती विच जां थोड़े तुसीं धरती होर मजबूत कर ली तां रिजल्ट बहुत वधिया आउणगे, शानदार आउणगे, उत्पादन पूरा वधूगा। यह थोड़ा जिहा वध मिर्चां वाला बूटा दिखाया, कईआं नूं घट भी ने, बाकी असीं तड़ाई भी करी जांदे आं ते लगी भी जांदियां ने मंडी 'च लै जांदे आ। ते खास गल आ भी उत्पादन कि नहीं, वो नहीं मार खाओगे, बूटा देखने भावें छोटा कोई भी बूटा बीमारी नहीं आती, फुल भी आ रहे हैं तो बाकी देखते हैं भी सियाल की कंडीशन रहती है। पर कुदरती खेती में आप जो रिजल्ट चाहते हैं उदों वधिया मिलते हैं, न्यूट्रीशन पूरे मिलने, स्वाद पूरा मिलेगा, तो जी वस्तु है तोड़ी आ सब्जी आ कोई भी उत्पाद है उन्होंने आप स्टोर भी लंबे समय तक कर सकते हैं। सो इस तरह आप कुदरती खेती ना जुड़िए वो लाभ लीए। जे हुण ये फसल दे विच नदीन भी ने फिर भी बूटा ठीक खड़ा तो यदा मतलब आपां खेती घाटा नहीं पा सकती, सिर्फ आपां कुदरत नूं समझना चाहिए भी की इहदे कारण ने की आ। जंगलों वाला सिस्टम देखते हैं तो अपना खेत बिल्कुल जंगल डिजाइन वांग कीता जा रहा, तो हरेक चीज़ अपना पूरा उत्पादन दे रही है, रंग रूप पूरा, तो उहदा मतलब जो जिन्ना चाहिए जिड्डा बूटा उन्ना दे रहा। बाकी यह भी इस विच आपां होर फसल बीज सकते हैं, नदीन पशुओं नूं पा सकते हैं। सो ये कुदरती खेती विच बहुत कुछ दे रही है कुदरत, आपां नूं समझिए इस खेती नाल जुड़िए उहनूं अपनाइए, क्योंकि जदों नदीन ने तां सब तों वड्डा बेनीफिट इह आ भी धरती विच इक लाइव मलचिंग हुई हुई है जिहदे नाल पाणी दी नमी विच बणी रहिंदी है,
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਿਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੋਕਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਨਦੀਨ ਜਾਂਦਾ ਚਾਰੇ ਦੇ ਰੂਪ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਗਿਆਨ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖੇਤੀ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਦੀਨ ਉੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਿੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਸੁੱਕਦੀ ਆ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ, ਗਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤ ਖੁਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਈਏ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਜ਼ਹਿਰ ਮੁਕਤ ਭੋਜਨ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਇਸ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।